السلام علیکم خواتین و حضرات، غیر ممالک سے آئے ہوئے سوالات کا سلسلہ انہی صاحب کو بھیجا ہوا ایک سوال ہے کہ tell us stories from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's life that you like to share with us. جو کہانیاں ہیں، واقعات ہیں یا قصے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں، لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے رویے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو بہت بلند ہے، ویسے بھی اگر ہم عام زندگی میں بھی کوئی واقعات، قصے، کہانیاں سنیں تو واہ واہ کر کے بھلا دیتے ہیں، اس سے اثر قبول نہیں ہم کر پاتے. رویے ہے ہمارے، جبکہ اصل میں قرآن میں بھی قصے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے ہم عبرت پکڑ لیں، اس سے سبق حاصل کر لیں. اور ان سے ہم سیکھیں، لیکن کم از کم میرے اوپر تو اثر انداز ہوتے نہیں، میں تو سب نہیں سیکھتا ان سے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں اگر غور کرنا چاہوں گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اس اینگل سے غور کروں گا کہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے درمیان یہ پوزیشن دلوائی ہوئی تھی کہ آپ نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پہاڑ پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا اس کو یقین کر لیں گے آپ؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اعتبار اور یقین کا یہ معیار کس طرح قائم ہوا؟ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے، تو اس ہجرت کے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں زندگی بہت تلخ ہو گئی تھی، سخت ہو گئی تھی، تو رب تعالیٰ ہی کے حکم پر آپ نے ہجرت فرمائی وہاں سے. اب کفار جو اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے تھے کہ خاکم بدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم
कि जान लेने पर तैयार थे। इस मुखासमत और इस मुखालफत और इस दुश्मनी के बावजूद अमानतें फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। ये हम सबको मालूम है कि जब मक्का से हिजरत फरमा रहे थे तो जनाब हज़रत अली करमल्ला वजहों के जिम्मे लगाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप लोगों की अमानतें लौटा कर मदीना आ जाइए। इससे अंदाजा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉरल स्टैंडिंग अपने दुश्मनों के दरमियान भी क्या थी कि आपका कोई दुश्मन भी ये मानने को तैयार नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कोई ऐसा लफ्ज अदा हो सकता है जो हकीकत से दूर हो या हकीकत के बरक्स हो। इसी तरह ये एतबार के मेरी अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास महफूज है, इस तमाम तर दुश्मनी के बावजूद वो महफूज समझता है अमानत को। तो ये एक जो किरदार का हिस्सा है, मैं ये समझता हूं कि अगर मैं किसी चीज पर गौर करना चाहूं जो कि फारसी में किसी ने कहा था कि ये ख्याल महालस्त कि मैं अचंभे की बात है कि मैं भी गौर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अल्लाह तौफीक दे मुझे और मैं गौर करूं तो मैं इस पहलू पे बहुत गौर करूंगा कि ये किरदार क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बदतरीन दुश्मन भी आपको अमीन और सादिक मानने पे मजबूर थे। हमें उस तरफ देखना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम मदनी जिंदगी में देखें कि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद तो एक चीज पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए। कि जो आदमी भी जो वक्त भी मदीना मुनव्वरा में आया, दुश्मनी की नियत से आया, मुखालफत करने की नियत से आया, आर्गुमेंट करने आया, लेकिन वो जब उठा पास से इस्लाम कबूल करके गया, फिर क्या चीज थी कि लोग इस तरह से असर कबूल करते थे कि आते थे बहसियत दुश्मन के, जाते थे मानने वाले बन के, पैरोकार बन के। तो ये किरदार का क्या पहलू था, मेरी समझ में तो ये आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खल्के खुदा के लिए मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा, सिर्फ इंसान भी नहीं कह रहा, मैं तो खल्के खुदा कह रहा हूं। अल्लाह की मखलूक चाहे वो जानवर थे चाहे इंसान थे चाहे नबातात थी, मोहब्बत ही मोहब्बत थी, मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं था। तो जब इंसान के दिल में दूसरों के लिए इस तरह की मोहब्बत हो कि जिसके अंदर कतई तौर पर कोई रमक ही ना हो गुस्से की, दुश्मनी की, मुखालफत की, तो इंसान की बॉडी से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो इतनी पॉजिटिव होती हैं और इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो सामने बैठे हुए आदमी पे पूरी तरह असरअंदाज होती हैं और सामने बैठा हुआ आदमी उस मोहब्बत में बह जाता है।
तो किसी भी शख्स की शख्सियत का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जिससे वो मिले दूसरा आदमी फौरी तौर पर उससे मुतासिर हो जाए। अब वो एक ही सूरत में होगा कि इंसान के दिल में दूसरों के लिए स्वाय मोहब्बत की और कुछ ना हो। अगर किसी को कोई बात वो किसी बुरी बात से रोकता भी है तो उसकी डांट में भी ऐसी मोहब्बत झलक रही होती है कि सुनने वाला क्लियरली इस बात को जानता है कि मोहब्बत आउट ऑफ लव मुझे डांट रहा है। तो ये एक जो पॉजिटिव पहलू है उसका वो मुतासिर करता है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से अगर ये बात सीखें कि हम खल्के खुदा से मोहब्बत करें, यही मैंने इसी महफिल में कहीं गुफ्तगू करते हुए एक अर्ज की थी कि कभी एक तजर्बा कीजिए जिंदगी का। कि सड़क पर जब हम निकलते हैं बाहर घर से सुबह ऑफिस जाने के लिए, सभी लोगों का ऑफिस जाने का टाइम मोर और लेस वही होता है, हर एक को जल्दी होती है। हर आदमी ये चाहता है मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। और हम मजाजन भी कानून का एहतराम नहीं करते हैं, हमारे मजाज में नहीं है। तो कानून कायदा राइट ऑफ वे ये सब हम सब भूले होते हैं, सिर्फ एक ही ख्याल होता है जहन पर कि मैं आगे निकल जाऊं। तो उस प्रोसेस में बहुत सी गलतियां होती हैं दूसरों से। तो हम भी किसी की गलती पर बड़े घूर कर उसे गुस्से से देखते हैं, जिसको गोरा कहता है कि हम डर्टी लुक देते हैं उसको। नतीजा ये कि जब हम ऑफिस पहुंचते हैं आधे पौन घंटे के सफर के बाद तो हम झुंझलाए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं। लेकिन अगर ये रवैया अपना लें कि दूसरा आदमी जो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और कानून कायदे को वो पामाल कर रहा है, तो हम आज खुद उसको इशारा कर दें विद ए स्माइलिंग फेस, एक ब्रॉड स्माइल के साथ, जाइए तशरीफ ले जाइए, आप आ जाइए, चलिए। एक बार हैरत अंगेज तजर्बा होगा आपको कि सारा रास्ता हम दूसरों की गलतियों पे मुस्कुराते आए हैं, उसको वेव किया है बड़े प्यार से हमने। जब हम ऑफिस पहुंचे हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी है, हमारी खुश मजाजी जो है वो न सिर्फ ये कि बरकरार है बल्कि एनहांस हुई भी है। ये तजर्बा कीजिए, बड़ा खुशगवार तासुर मिलेगा इससे। तो ये जो हम इस सुन्नत की पैरवी करें कि हम सबसे प्यार करें, चाहे वो हैवानात हों, नबातात हों, इंसान हों, तो उस प्यार के नतीजे में हमें दो चीजें हासिल होती हैं। एक दूसरों का प्यार हमें हासिल हो जाता है और दूसरा हमें एक अजीब तरह की खुशी हासिल होती है। ऐसे लोग जो दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों की गलतियों को बड़ी खुश दिली से इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं,
आप उनके फेसेस को कभी देखिए, उनके चेहरे पर नजर पड़े तो आपको एक खुशी का एहसास होगा, जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ प्लीजिंग फेस। दूसरी बड़ी बात, सबसे बढ़कर उस शख्स की आपको आंखें मुस्कुराती हुई दिखाई देंगी, यूं लगेगा जैसे उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं, और उसका तासुर देखने वाले पर बड़ा अच्छा पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा भरी पड़ी है किस्सों से, कहानियों से, लेकिन बहसियत मुसलमान के, बहसियत उम्मती के, हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। कि जहां दरगुजर ही दरगुजर है, हर एक की गलतियां और खताओं से दरगुजर है, जहां किसी को शर्मिंदा नहीं किया जाता, किसी की ऐबजोई नहीं होती है, ये सुन्नतें हैं, इस पे अगर हम अमल कर लें, दूसरों की कोताहियों पर, उसकी खताओं पर, उसके गुनाहों पर और उसके ऐबों पर पर्दा डाला जाता है, हम उस सुन्नत पर अमल कर लें, मुझे याद नहीं कि ये सवाल मुझसे कहां किया गया था, किसी टेलीविजन चैनल पर या किसी महफिल में, कि एक मुसलमान अच्छा इंसान होता है या अच्छा इंसान मुसलमान होता है। ये सवाल आमतौर पर ऐसे ही सामने आते हैं मेरे, बात यह है कि इंसान तो हम सभी होते हैं, लेकिन मुसलमान अब होता क्या है उससे मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, लेकिन क्या होना चाहिए मुसलमान को, उसकी तरफ मैं तो जो जरूर दिला देता हूं कि जो रब ताला ने हमें जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दिया है अल्लाह ताला ने, उसको हम मजहब नहीं कहते, क्योंकि वो मजहब है नहीं, वो दीन है, एक तर्ज हयात है, एक जाब्ता हयात है, वो जिंदगी गुजारने का ढंग है वो। जब हम अपनी जिंदगी को उस जाब्ते और उस कानून और कायदे के मुताबिक गुजारते हैं, तो हम बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं। तो मुसलमान अच्छा इंसान होता है, अच्छा इंसान मुसलमान नहीं बनता। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जरूर पढ़ें, पढ़ते भी हैं, बचपन से पढ़ते चले आते हैं, माँ बाप भी और टीचर्स भी, हमें रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है ही तमाम की तमाम रोशन, वो हमें चीदा चीदा पहलू दिखाते रहते हैं, हमें अजबर है सबको। तो अगर हम
हर महीने ये कसद कर ले कि मैं इस महीने इस सुन्नत पर अमल करूंगा। तो साल में 12 सुन्नतें ऐसी हैं जिस पर हम अमल पैरा हो चुके होंगे। 5 साल के बाद 60 सुन्नतें ऐसी होंगी जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स तो ऐसे हैं कि अगर एक सुन्नत पर भी अमल कर लिया तो इंसान बहुत खूबसूरत इंसान बन जाता है। हम इस एंगल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को स्टडी करें कि मुझे अब हर महीने इसे एक सुन्नत पर अमल करना है। तो देखिए जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है और हमें हैरत होगी कि जिन रवैयों के हम शाकी होते हैं कि दूसरे आदमी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, तो हमें हैरत ये होगी कि हमें हर आदमी सही लगेगा, ये बड़ा अच्छा है, तो वो हमारे गिले शिकवे दूसरों से खत्म हो जाएंगे। इनका अगला सवाल है कि टेल अस स्टोरीज फ्रॉम सेंट्स लाइफ दैट यू लाइक टू शेयर विद अस। जो अली अकराम है उनकी जिंदगियां जाहिर है वो भी इंसान थे, मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर हम गौर करें तो उनके जो जिंदगी के रवैये हैं, देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अदर्स, वो एक से दिखाई देते हैं। उसकी वजह है कि वो सभी सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत कि आप महफिल में तशरीफ फरमा होते थे तो नजराने और हदीये पेश किए जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो आप जब महफिल से उठते थे वो तमाम नजराने और हदियाजात तकसीम कर दिए होते थे, वो पल्लू झाड़ के उठते थे खाली हाथ, जो चीज आती थी वो उसी तरह चली भी जाती थी। ये उसी वक्त होता है जब हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई हो। माले दुनिया की वैल्यू हमारे दिल में न रही हो कुछ भी। फकीरों में ये सुन्नत आम मिलेगी, आपको इस पर अमल पैरा होते हैं कि जो कुछ कहीं से आया वो उसी लम्हे तकसीम कर दिया, खाली हाथ चले गए। इसी तरह आप किसी फकीर की जुबान से गिले शिकवे शिकायत कभी नहीं सुनेंगे। और इसका एक आसान सा नुस्खा है कि हमें लोगों से गिले शिकवे शिकायत न रहें, वो ये है कि फकीर
अपने आप को सब में छोटा समझता है कि मैं सबसे कमतर हूं, बाकी जितने लोग हैं वो मुझसे बेहतर हैं। तो जब हम दूसरों को अपने से बेहतर मानते हैं तो हमें उनकी खामियां दिखाई नहीं देती, उनकी खूबियों पर नजर पड़ती है हमारी। वो ज्यादती भी करते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि ये आदमी तो ज्यादती नहीं कर सकता, यकीनन इसके पीछे कोई वजह है, मुझसे गलती हुई है जो इस आदमी ने मेरे साथ ये सलूक किया है। तो जब ये रवैया होगा तो हमें किसी से शिकायत, गिला, शिकवा कुछ होता ही नहीं है। ये चीज आपको फकीर के यहां आम मिलेगी। और रब को चूंकि अपना आका मानता है, सिद्क दिल से मानता है, जुबान से तो, मुझ जैसा गुनाहगार भी कहता है कि वो मेरा आका वो मौला है, लेकिन बात तो ये है कि मैं दिल से मानता हूं या नहीं मानता। क्योंकि जब मैं रब ताला को अपना आका मानता हूं दिल से, सिद्क दिल से, तो फिर मेरे दिल में ये रहता है कि वो मालिक है, जो चाहे करे उसका हक है। तो फिर जिंदगी अगर बहुत अच्छी गुजर रही है तो शुक्र अदा करता रहता है फकीर आदमी। अगर कहीं लीन पैच में से गुजरा जिंदगी के, तो वो यही याद करता रहता है कि मेरा मालिक कितना अजीम है कि इतना अरसा मुझे बड़े कंफर्टेबल हाल में रखा। तो ये चंद दिन जो तकलीफ आई है ये भी गुजर जाएगी, अल्लाह इसको भी दूर कर देगा अपनी रहमत से। तो जिस रब ने इतना अरसा मुझे सहूलत दिए रखी है फिर सहूलत दे देगा। तो गिला शिकवाई नहीं आता जुबान पे, उफ ही नहीं आती, हाय नहीं निकलती जुबान से। ये वो रवैये हैं फकीरों के जिससे मुझे सीखना चाहिए कि मैं अगर किसी फकीर से मिलूं तो मुझे उनके किरदार के ये पहलू ऐसे हैं जिसे सीख लेना चाहिए मुझे, कि इससे जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इनका अगला सवाल है कि Why do we have to listen to parents? मेरे ख्याल में इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि मेरे मां बाप मेरे इस दुनिया में आने का जरिया बने हैं, फिर ये कि जब मैं अपने जिस्म से मक्खी भी उड़ाने पर कादिर नहीं था तो मेरे मां बाप ने मेरी हिफाजत की है अपने खून पसीने की कमाई, मेरी परवरिश की है, रातों को जाग के मुझे कंफर्ट प्रोवाइड किया है। उसके बाद मेरी तरबियत की है घर में, फिर जब मैं स्कूल जाने के काबिल हुआ हूं तो मेरे तमाम तर अखराजात उन्होंने बर्दाश्त किए हैं। फिर किस मोहब्बत से उन्होंने मेरी शादी की है,
युवो ऐसा नाथ है जो मुझे भूलने नहीं चाहिए। जब मुझे जरूरत थी अपने माँ बाप की तो उन्होंने मुझे तनहा नहीं छोड़ा, खुद दुख उठा के मुझे सुख दिया है। और जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं कैसे उन्हें तनहा छोड़ दूं। एक तो उनके ये एहसानात है, उनका हक बनता है कि हम उनकी सुने। दूसरी चीज ये है कि मेरे मां बाप मुझसे ज्यादा जहां दीदा हैं, मुझसे कहीं ज्यादा तजर्बा रखते हैं इस दुनिया का, क्योंकि मां बाप मेरे साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं, उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं है। तो जब भी वो मुझे कोई बात कहेंगे वो मेरे फायदे की होगी। जो तजर्बा उन्होंने हासिल किया है दुख उठा के, वो तजर्बा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मैं बेवकूफ हूंगा अगर मैं उनके तजर्बे से फायदा न उठाऊं। मेरे नजदीक ये दो बड़ी वजूहात हैं कि हमें अपने माँ बाप की बात सुनना चाहिए, उनके हमें इताअत करनी चाहिए। इनका अगला सवाल है कि व्हाट इफ द एक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय पेरेंट्स कॉज मिसचीफ इन फैमिली एंड सोसाइटी, हाउ टू टैकल सच सिचुएशन। बड़ी सिंपल बात है, कभी बचपन में मेरी शरारतें भी फैमिली में मिस्चिफ का सबब बनती थी, मोहल्ले में पड़ोसियों में शिकायत का बाइस बनती थी। तो ये माँ बाप ही तो थे जो मुझे पड़ोसियों के रैस से बचाते थे। शरारतें मैं करता था, भुगतते मेरे वालदेन थे, और बगैर एक लफ्ज शिकायत का जुबान पर लाए। तो इंसान होने के नाते अगर मेरे मां बाप से कभी कहीं कोताही हो जाए और उनकी गलती की वजह से फैमिली में या सोसाइटी में कुछ हलचल होती है, तो एहसान का तकाजा तो ये है कि फिर उसको मैं उसी खंदा पेशानी से निमटा लूं जिस खंदा पेशानी से मेरे माँ बाप मेरी शरारतों को भुगतते थे। एक इसका बड़ा सीधा जवाब है, लेकिन ये तो सवाल का जवाब देते हुए मैंने अर्ज कर दिया। लेकिन एक बात का हमें यकीन रखना चाहिए कि माँ बाप का तजर्बा इतना ज्यादा है, उन्होंने इतनी दुनिया देखी है, कि उनकी किसी हरकत या उनकी किसी बात से खानदान में या सोसाइटी में हलचल नहीं मचती है। वो इतने सेंसिबल हो गए होते हैं तजर्बे की वजह से कि वो उस मशहूर मुहावरे पर अमल करते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो वो अपनी औलाद की तरह सिर्फ बोलते ही नहीं रहते।
ये अगला सवाल इनका शायद बहुत से आईब्रोज रेज कर दे. आई फील अशेम्ड ऑफ बीइंग मुस्लिम बिकॉज ऑफ ऑल द बैड मीडिया अबाउट इस्लाम. हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम? भाई ये बहुत ही सिंपल बात है. एक सीधी और सादा बात, कि मेरा इख्तियार सिर्फ अपनी जात पर है, तो मैं अपनी जात को एक अच्छा मुसलमान बना लूं. तो यकीन मानिए कि इस्लाम और तमाम मुसलमानों का इमेज बेहतर हो जाएगा अगर एक मैं ठीक हो गया. जब तक मुझे ये है कि फलां की हरकत से ये हो गया, फलां की हरकत से ये हो गया, फलां की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, मामला दुरुस्त नहीं होंगे, बिगड़ते चले जाएंगे. अगर मैं दूसरों के बारे में भूल कर सिर्फ अपनी जात पर तवज्जो दे दूं, अपनी जात को बेहतर कर लूं, मामला तो ओवर नाइट ठीक हो जाएंगे. इसमें वक्त नहीं लगेगा. तो बजाय शर्मिंदा होने के इसका हल कीजिए. इनका एक और सवाल ये है कि प्लीज टेल अस अबाउट जीसस इन रिलेशन टू इस्लाम. एक बड़ी सिंपल सीधी सी बात है कि जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे और जैसे यहां मुख्तलिफ औकात में ये गुफ्तगू हो चुकी कि जितनी भी इलामी किताबें हैं, सहीफे हैं, और उन सहीफों और किताबों के जरिए से जो पैगाम भी आया वो इस्लाम ही का पैगाम था. एक लड़ी थी कि जो वक्त के साथ साथ जो जो इंसान के इल्म में इजाफा होता गया, उसकी जहनी डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती गई है, वो पैगाम एडवांस होता गया है, हत्ता के उस पैगाम को मुकम्मल कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और कुरान के जरिए से मुकम्मल हो गया. तो ये एक ही मैसेज था जो चलना शुरू हुआ है सहीफों में और इलामी किताबों में. हमारा ईमान है, उसके बगैर ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होता. कि जब तक के हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे गए अंबिया पर ईमान न लाएं और कुरान पाक से पहले आने वाली इलाही किताबों पर ईमान न लाएं, हमारे ईमान का यह हिस्सा है. जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी एक प्रोग्राम का हिस्सा थे जो रब ताला उतार रहा था अपना पैगाम, और वो रब ही का पैगाम लेकर दुनिया में आए थे. फर्क सिर्फ एक रहा कि जितने भी रसूल और नबी और पैगंबर आए
वो अपनी अपनी उम्मत पर, अपनी अपनी कौम पर उतारे गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल आलमीन के लिए उतारे गए हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। ये एक फर्क है। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हमारे ईमान के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो मस्जिद अक्सा में आपने इमामत फरमाई थी और तमाम अंबिया किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा फरमाई थी। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, क्योंकि जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम ने जबर बहुत किया तो बिल आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों को उठा लिया था और वो कयामत के करीब जाके उतारे जाएंगे। लेकिन जब वो तशरीफ लाएंगे तो बहसियत पैगंबर तशरीफ नहीं लाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखुज़्ज़मा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कभी कोई पैगंबर नहीं आएगा। इस वजह से जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहसियत मुसलमान के और बहसियत उम्मती के तशरीफ लाएंगे दुनिया में। इन्होंने फर्दर अपनी ईमेल में लिखा है कि आई वुड लाइक टू आस्क मोर क्वेश्चंस इन रिलेशन टू अबव इफ यू गिव द परमिशन। आई हैव फ्यू अदर क्वेश्चंस, इफ दीज आर वर्थ देन प्लीज आंसर दीज इन योर लेक्चर्स एंड दैट आर पोस्टेड ऑन kalandar.org। पहला इनका क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्रेस योर ओपिनियन how the quantum physics might expand the spiritual side of people. बात यह है कि जब हम मादा के, जिसको हम मेटीरियल कहते हैं अंग्रेजी में, उसके बियॉन्ड देखने लगते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी के स्पीयर में दाखिल हो जाते हैं। हमें उस स्पीयर तक ले जाने के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसे चांद पर उतरने के लिए जरूरी है कि कोई एक ऐसा मीडिया हो जिस पर, जो हमें जमीन के दायरे असर से बाहर निकाल ले और फिर उसके बियॉन्ड हमें अपर स्पेस में ले जाके चांद पर उतार दे। उसके लिए हमें एक सोर्स चाहिए, एक जरिया चाहिए। तो उसका जरिया यह है कि हम मल्टी स्टेज रॉकेट लेते हैं और वो व्हीकल जिसे चांद पर जाके काम करना है, या वो कैप्सूल जिसमें हमें जाके चांद पर उतरना है, रहना है, वो उसको कैरी करता है वो मल्टी स्टेज रॉकेट। जमीन से स्टैंड स्टिल की हालत को ब्रेक करता है वो पूरी कुव्वत के साथ, उसकी पहली स्टेज फायर होती है। और चूंकि कशिश सिकल ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत शिद्दत से उसे अपनी तरफ वापस खींच रही होती है तो रॉकेट की वो स्टेज बहुत पावरफुल लगाई जाती है उसमें, और वो अपनी ताकत के इक्विलिब्रियम पैदा होता है ना। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होनी चाहिए जो अगर उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्विवेलेंट है तो एक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स
एंड द पोल, तो वो ऑब्जेक्ट मुअल्लक हो जाएगा हवा में। और अगर उस पुल को हम बढ़ा दें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर को ओवरकम कर लेगा और वो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आगे को चलना शुरू हो जाएगा। तो रॉकेट की फर्स्ट स्टेज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो उस रॉकेट को आहिस्ता आहिस्ता जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्फीयर है उससे बाहर ले जाती है और उसके बाद जाके वो स्टेज ऑटोमेटिकली रॉकेट से अलहदा हो जाती है कि उसका भी इस्तेमाल नहीं है, वो उस रॉकेट पर ड्रैग का काम करेगा और उसके आगे बढ़ने के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा, वजन कम करने के लिए स्टेज वन वहां अलहदा हो जाती है। इसी तरह फिर और जब ऊपर जाता है तो उसकी सेकेंड स्टेज इजेक्ट हो जाती है रॉकेट की, तीसरी स्टेज उसको चांद तक ले जाएगी। इसी तरह हमें मेटीरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड ले जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। और वो मीडियम में रोल प्ले करेगी क्वांटम फिजिक्स। जब हम साइंटिस्ट हजरात को देखते हैं तो उनकी जिंदगी में हमें कुछ फेजेस दिखाई देते हैं। एक फेज वो है कि वो बड़ा रिलीजियस आदमी है और वो साइंस पढ़ रहा है, साइंस का कोई शोभा हो। जब वो तालीम के एक मयार पर जा पहुंचता है तो वो फिर रिसर्च में इन्वॉल्व होता है और वो अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च शुरू कर देता है, उसे कामयाबी मिलती है रिसर्च में, नई नई चीजें वो डिस्कवर करता है। एक वक्त आता है कि वो यही समझने लगता है कि जो कुछ भी है वो यही साइंस है और माजल्ला अल्लाह के वजूद से वो मुनकर हो जाता है, एथियस्ट हो जाता है वो। लेकिन जब वो और आगे बढ़ता है तो उसको फिर ये अदराक होने लगता है कि नहीं, कोई कुवत है जो सब इन चीजों को ऑर्गेनाइज किए हुए है। तो साइंसदान जो है रिलीजियस पर्सनालिटी होता है, खासा रिलीजन के करीब होता है, फिर वो वक्त भी आता है कि वो एथियस्ट हो जाता है, देहरिया हो जाता है। और उसके बाद फिर टुवर्ड्स लास्ट लेग ऑफ हिज एज वो एक बार फिर नए सिरे से रब ताला पर यकीन ले आता है कि रब मौजूद है। तो ये क्वांटम फिजिक्स मीडिया के तौर पे काम, मीडियम के तौर पे काम करती है जो हमें रूहानियत की दुनिया में ले जाए। इंशाअल्लाह ताला इसी बात को नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे बशर्ते जिंदगी। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।